आज हमने आसान तरीके से 10 मिनट में झट से बन जाए ऐसी मसालेदार प्याज की सूखी सब्जी बनाई है। ये बहुत ही टेस्टी बनती है। तो रेसिपी की शुरुआत करते हैं और बनाते हैं मसालेदार सूखी प्याज की सब्जी। प्याज की सब्जी बनाने के लिए हमने मीडियम साइज का 8 प्याज लिया है। इसे हमने छील के रखा है। इसे हम चॉप कर लेंगे। एक प्याज का हम 4 हिस्सा करेंगे इस तरह से। इस सब्जी में हमें ज्यादा बड़ा प्याज नहीं लेना है, छोटा थोड़ा मीडियम साइज का ही प्याज लेंगे। इस तरह से हम प्याज को काट लेंगे। कढ़ाई में हमने 2 टेबलस्पून तेल डाल दिया है, गरम हो गया है। इसमें 1/4 टीस्पून मेथी दाना डाल देंगे, आधी टीस्पून जीरा। मेथी दाना और जीरा को हम लाइट ब्राउन भून लेंगे। 1/4 टीस्पून हींग। प्याज हमने काट के रखा है, ये डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। ढक्कन लगा के धीमी आंच पे प्याज को कुक करेंगे। ढक्कन लगा के धीमी आंच पे हमने 5 मिनट कुक किया है। इसमें हमने 2-3 बार चला लिया था। प्याज थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। इसमें हम मसाला डाल देते हैं। एक हरी मिर्च बारीक चॉप करके ली है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया जीरा पाउडर। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से लेना है। मैंने 3/4 टीस्पून लिया है। 1 टीस्पून में थोड़ा कम नमक लिया है। मिक्स कर लेंगे। ढक्कन लगा के कुक करेंगे। वापस हमने 3 मिनट धीमी आंच पे ढक्कन लगा के इसे कुक किया है। इसमें हमने 3 बार चला लिया था। 1 टीस्पून हमने बेसन लिया है, इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे इस तरह से। थोड़ा थोड़ा इस तरह से स्प्रिंकल करना है। चला लेंगे। एक टीस्पून में इतना बेसन रह गया, इसे वापस ऊपर स्प्रिंकल करेंगे ताकि सभी प्याज के ऊपर बराबर से बेसन लग जाए। अगर आपको ऐसा लगे कि सब्जी में मसाला जल रहा है तो 1 टेबलस्पून पानी इस तरह से इसके ऊपर डाल सकते हैं। ज़्यादा पानी नहीं डालना है। हमने इसमें 1/4 टीस्पून आमचूर पाउडर डाल के मिक्स किया है। वापस ढक्कन लगा के कुक करेंगे। 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा के सब्जी को कुक किया है। प्याज की सब्जी कुक हो गई है। इसमें 2 टेबलस्पून हरा धनिया डालेंगे। प्याज की सब्जी रेडी है, गैस ऑफ कर देंगे। इस सब्जी को हम रोटी पराठा या भाकरी के साथ सर्व कर सकते हैं। खिचड़ी और दही की कढ़ी के साथ भी ये सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी है।